हेलो फ्रेंड्स, दिवाली के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और सारे के सारे इस समय स्वस्थ हैं। और मुझे बताते हुए बहुत ही हर्ष उल्लास हो रहा है कि अभी हम नेक्स्ट कमिंग संडे को, दैट इज ऑन 19th, उस दिन हम लोग लाइव सेशन ले रहे हैं। आई विल बी ऑन लाइव सेशन और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम टॉपिक है और वो टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी। वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कंधे का भी हो सका है, हिप ज्वाइंट का भी हो सकता है और नी का भी, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन में नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन है और ये हमारे को या फिर हमारे परिवार में, हमारे जानने वाले में किसी ना किसी को जरूर अफेक्ट कर रहा होगा। पहले हम कहते थे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो घुटने में घिसावट हो जाती है वो एज रिलेटेड है कि 50, 55, 60 की उम्र में आ गई, लेकिन आज के टाइम में जब ओपीडीज में देखते हैं तो 50% ऑफ ओपीडीज नी पेन से आ रही है, जिसके अंदर हमारे पास 50% पेशेंट्स यंग पेशेंट्स होते हैं जो 30s में आ रहे हैं, 40s में आ रहे हैं, 50s में आ रहे हैं। कोविड के बाद ये सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हुई है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी। इसमें हम लोग समझाएंगे कि ये क्या कारणों से होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और किस तरीके से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। अगर आपको शुरुआत भी नहीं हुई है या आपको शुरुआती दौर पर है तो किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो। और यंग पॉपुलेशन हमारी हमेशा, जब भी अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को हमारे पास ओपीडी में लेके आती है तो हमेशा उनका एक सवाल रहता है कि सर इनको तो होगा कि एज की वजह से मेरी भी सिटिंग जो बहुत ज़्यादा होती है, मेरी भी लाइफस्टाइल बहुत अलग हो चुकी है, तो मैं आज इस समय से ही क्या करूँ कि मैं इसको प्रिवेंट कर सकूँ या मैं इसको होने ही ना दूँ। तो इन सारे मुद्दों पर हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जब हम वीडियोज़ बनाते हैं शॉर्ट पेशेंट्स की वीडियो, वो एक शॉर्ट चीज़ें होती है, उसके अंदर हम बहुत डिटेलिंग नहीं जा सकते, लेकिन इसके अंदर हम कॉजेज़, क्या कारण हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे बढ़ता है, किस तरीके से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आपको हो चुका है तो सबसे एडवांस ट्रीटमेंट इस समय में क्या है, क्या बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट इस समय में क्या है विद इविडेंस। हम इविडेंस बेस्ड बात करेंगे कि जो हमारे पेपर्स के अंदर पब्लिश है, जो हमारी RCTs जितनी भी स्टडीज़ हो रखी है उसके अंदर इस समय में क्या टेक्नोलॉजी, क्या तरीका वन ऑफ द बेस्ट तरीके में से, और कौन सा तरीका हम लोग अपना के थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स पेशेंट्स को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के साथ। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुबह 19th को 9 से 11 का एक सेशन होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके अपने क्वेश्चनिंग हमसे कर सकते हैं, अपनी डाउट्स जितने भी हैं, आपके पेशेंट्स की कोई इश्यूज़ हैं तो आप वो हमारे पास सारी चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है जिसमें पेशेंट्स को या आपके रिलेटिव्स को, कोई भी, मैं किसी को भी इस प्रकार की समस्या है तो वो डायरेक्टली इस समय मुझसे अपने क्वेश्चंस की क्वेरीज को क्लियर कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा जितनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशंस आपकी समझ में आने वाली चीज़ों के अंदर, नॉट मेडिकल, एक तो होता कि मैं सिर्फ मेडिकल भाषा में बात करूँ, जो समझ में आने वाली भाषा के अंदर आपको समझा सकूँ और हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अगर हमें समस्या होगी तो इस समय क्या उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं 19th कमिंग संडे 9 बजे से 11 बजे तक। सो प्लीज़ पार्टिसिपेट एंड आस्क एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। थैंक यू।